press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल में। हम आज बात करेंगे LG की नया जो G सीरीज का मोबाइल मार्केट में लॉन्च होने वाला है उसके बारे में। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं LG इंडिया में ज़्यादा मार्केट नहीं लिया अभी तक, क्योंकि उसकी जो मोबाइल है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इंडिया में उसका खास कोई पहचान नहीं है। स्मार्टफोन की पहले जो LG का जो होल्डिंग मोबाइल आता था मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा मार्केट था उसका, लेकिन अभी उसका कोई इतना ज़्यादा मार्केट अच्छा नहीं है। तो अभी इंडिया में मार्केट में जगह लेने के लिए LG ने नया कुछ मोबाइल लॉन्च किया है J सीरीज का, कि मोबाइल हमारे इंडिया के बाहर लॉन्च हो गया हाल ही में, लेकिन इंडिया में कोई J सीरीज का मोबाइल लॉन्च नहीं हुआ। अभी लॉन्च होने वाला है दो मोबाइल, और एक है LG का J7 पावर और एक है J7 थिन। तो हम बात करेंगे J7 थिन की, जो मोबाइल इंडिया में लॉन्च होगा और उसका जो फैसिलिटी है बहुत ही कमाल की होने वाला है। तो देखते हैं मोबाइल में क्या क्या है। पहले मैं उसका डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले के लिए अभी मार्केट में जो मोबाइल लॉन्च हो रहा है ज़्यादातर मोबाइल 6.4 डिस्प्ले होता है, लेकिन LG का जो मोबाइल है और अभी जो थिंक के बारे में बात कर रहा हूँ उसका मोबाइल का डिस्प्ले होगा आपको 6.1 इंची डिस्प्ले। प्रोसेसर की बात करूँ तो आपको दो प्रोसेसर उसमें देखने को मिलेगा, ज़्यादातर मोबाइल में एक ही प्रोसेसर होता है, लेकिन इस मोबाइल पे LG ने दो प्रोसेसर यूज़ किया। एक प्रोसेसर है 2.8 और एक प्रोसेसर है 1.8 845 स्नैपड्रैगन की। मैं अब बात करता हूँ कैमरा की, तो कैमरा की बात करूँ तो आपको दो कैमरा इसमें देखने को मिलेगा। पीछे जो डुअल कैमरा यूज़ किया है 16+16 मेगापिक्सल कैमरा, उसके साथ आपको देखने को मिलेगा LED फ्लैश लाइट। तो उसका जो फ्रंट कैमरा है वो आपको देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, लेकिन वो मोबाइल आपको मिलेगा वाटरप्रूफ में। वाटर में गिरने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल वाटरप्रूफ है। फॉर्निंग गोरिल्ला का B5 यूज़ किया है उसमें। मैं उसका मेमोरी देखते हैं तो मेमोरी की बात करूँ तो आपको मेमोरी देखने को मिलेगा 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। उसका बैटरी कैपेसिटी मेरे हिसाब से ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि उसका बैटरी जो है आपको देखने को मिलेगा 3000 mAh बैटरी, और साथ में आपको मिलेगा फास्ट चार्जिंग। लेकिन बैटरी थोड़ा सा ज़्यादा होता तो अच्छा होता, क्योंकि हम लोग अभी सब स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, नेट यूज़ करते हैं, नेट में ज़्यादा बैटरी आपको खर्च करना पड़ता है, तो बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए बैटरी कैसा बैकअप देगा मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन जो बैटरी का MAH है वो आपको ज़्यादा नहीं है, 3000 mAh की बैटरी मिलेगा। लेकिन मार्केट में ज़्यादातर जो फ़ोन आ रहा है, स्मार्टफोन आ रहा है, उसका बैटरी आपको 3800 यानी 4200 ऐसा बैटरी मार्केट में देखने को मिलता है अभी जो मोबाइल नया नया लॉन्च हो रहा है। लेकिन जो LG का मोबाइल है उसका बैटरी आपको 3000 ही देखने को मिलेगा, सिम देखने को मिलता है जो दोनों नैनो हैं, और आपको उसको 3G 2G 4G सब सपोर्ट है, बुलेट भी सपोर्ट है, और उसका आपको USB सपोर्ट भी मिलेगा। USB-C का जो सपोर्ट होता है वो भी आपको मिलेगा, और ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलेगा। ये मोबाइल आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरे को उम्मीद है मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक कमेंट भी कर दीजिए, और मेरा चैनल पर नया तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर रोज़ में ऐसा नया अपडेट लेते हैं तो आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।